तो उम्मीद है कि ऋतु जी का सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। आचार्य जी के बताए हुए उपायों को का अगर आप अनुसरण करेंगे तो जरूर आपका अपना घर होगा। और अब वक्त आ चुका है आज का महा उपाय जानने का। आचार्य जी से जानेंगे कि आज के दिन को और शुभ कैसे बनाया जाए। जी, आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। हमारे पूरे वर्ष भर में हमारे हिंदू कैलेंडर यानी हिंदू पंचांग के अनुसार जो एक साल में हर महीने में जो दो एकादशी पड़ती है, उन 24 एकादशियों में से ये जो अपरा एकादशी है, इसका भी अपना ही बहुत विशेष महत्व है। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है ये अपरा एकादशी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। इस एकादशी को अचला तथा अपरा दोनों नामों से जानते हैं हम लोग। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वह अपरा एकादशी कही जाती है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा करते हैं। त्रिविक्रम जो है वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है। इनको इनकी पूजा करने से किसी भी जातक को कीर्ति, प्रसिद्धि, पुण्य तथा धन की अभिवृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह अपरा यानी अपार धन, सुख और पुण्यों को देने वाली तिथि है और सभी पापों को नष्ट करने वाली तिथि है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं उनकी लोक में, तीनों लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि यानी जो भी व्यक्ति प्रेत योनि में है, आपके जो भी पूर्वज अभी जिनको मोक्ष नहीं मिला, जो भटक रहे हैं, आपके व्रत करने से उनको भी मुक्ति मिल सकती है। किसी की परनिंदा यानी आप दूसरे की निंदा करने से, दूसरे की बुराई करने से जो आप अपने लिए पाप बटोर रहे हैं, उससे आज की तिथि पे व्रत करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से उससे मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार के जितने पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वाले जो मनुष्य हैं उनके पाप भी नष्ट होते हैं। किसी ने किसी के लिए झूठी गवाही दे रखी हो, झूठ बोल रखा हो यानी असत्य भाषण कर रखा हो, आपने किसी को धोखा दिया हो, जालसाजी की हो, कपटियों के साथ आपने कुछ मिलकर के कोई काम किया हो, किसी का धन आपने चुराया हो, ठगों के साथ जो भी उनको पाप मिलता है, जो ठग होते हैं उनके द्वारा जो किए गए असत्य कर्म है, झूठा वेद पढ़ना, वेद का झूठा पाठ करना, इस तरीके की जितने पाप है हमारे शास्त्रों में वर्णित, इन सभी पापों से मुक्ति का ये एकमात्र आज पर्व है। एकादशी आज की जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आज की एकादशी में व्रत करता है इस तरीके के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो उसे नर्क मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। जो शिष्य अपने गुरु से विद्या ग्रहण करने के बाद उनकी निंदा करता है यानी आपने अपने गुरु से सीखा और फिर आपने गुरु की बुराई करना शुरू कर दी, ऐसे लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं अगर कोई सैनिक, कोई क्षत्रिय जो है वो युद्ध क्षेत्र से भाग जाए, कोई स्टूडेंट अपने गुरु की बार बार बुराई करता है, उनको क्रिटिसाइज करता है, तो इस तरह के लोगों को हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि नरक का स्थान मिलता है। और ये जो आज की तिथि है अपरा एकादशी, आज की तिथि में जो भी व्रत करता है इस तरीके के सभी पापों से मुक्त होकर के वह बैकुंठ धाम को जाता है, स्वर्गलोक को जाता है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से प्राप्त होता है या कार्तिक मास में स्नान करने से प्राप्त होता है या गंगा जी के तट पर अपने पितरों के लिए पिंडदान करने से मिलता है, वह एकादशी आज की जो अपरा एकादशी है इस व्रत को करने से मिलता है। यह अपरा एकादशी व्रत जो है पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है, अतः मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस व्रत की विधि क्या हो सकती है। आज की तिथि में तुलसी, चंदन, कपूर, गंगाजल के साथ भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कहीं कहीं भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम जी की भी पूजा करते हैं। प्राचीन काल में ऐसा कहते हैं महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे, उसका छोटा भाई व्रजध्वज जो था बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और उस अवसरवादी पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा तथा अनेक उत्पात करने लगा। अकस्मात एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे, उन्होंने प्रेत को देखा और उनके तपोबल से उसके अतीत को जान लिया कि उसने क्या कर्म किए हैं। अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा, ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उस प्रेत को मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से आज की जो तिथि है वो परम पुण्यदायी है। आज की तिथि में आपको व्रत अवश्य करना चाहिए और उसके साथ साथ किसी ब्राह्मण को अन्न और वस्त्र का दान करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। तो आज के लिए आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण हरि।
और इसके साथ ही हम आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।